पिछला वीडियो हमारा ये था कि हम पहली चैट में किसी लड़की को इम्प्रेस कैसे कर सकते हैं, और मैंने तुम्हें करके भी दिखाया था, लेकिन लास्ट में मेरे साथ सीन हो गया था जब उसने बोला था कि मेरा रिचार्ज कर दो 3 मंथ का। अब देखना ये था कि वो लड़की मुझसे रिचार्ज करवाना चाहती थी या वो किस तरह की लड़की थी, अब वो सच में मुझसे इम्प्रेस हो गई थी या नहीं हुई थी या मुझको ठग रही थी। अब ये इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। अगर तुमने इस वीडियो का पिछला चैट नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हो, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उस वीडियो को वॉच करना, तुम्हारे ये वीडियो समझ में आ जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जब उसने मुझसे पिछले वीडियो में बोला था कि मेरा रिचार्ज कर दो 3 मंथ का, तो यहाँ पर मैं शॉक हो गया था कि भाई क्या लड़की है, मतलब पहली चैट में ये तो मुझसे रिचार्ज करवाने लगी, अब या तो ये मेरा काटेगी तकड़ा करके। तो जब इसने मुझको बोला कि मेरा रिचार्ज करवा दो 3 मंथ का, तो पहले मैंने कहा हैं, तो फिर इसने कहा बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पर मैं काफ़ी सोच में पड़ गया कि क्या लड़की आ रही है, तो पहले ही चैट में रिचार्ज करने को बोलने लगी। मुझे लगा कि ये मेरा खर्चा करवाने वाली है तकड़ा करके, अगर ये इम्प्रेस होगी तो मेरा खर्चा करवाएगी। मैंने सोचा चलो जो होगा देखा जाएगा, तो मैं जानना चाह रहा था कि इसके मन में क्या है और ये किस तरह की लड़की है, वाकई मुझसे रिचार्ज करवाना चाहती है या कुछ और इसके माइंड में चल रहा है। तो मैंने कहा ओके नंबर दो, तो देख सकते हैं इसने मुझे नंबर भी दे दिया। तो यहाँ पर मैं और ज़्यादा मतलब सोच में पड़ गया, मुझे एक दफ़ा को ये भी लगा कि ये लड़का तो नहीं है क्या। मैंने कहा रुको करता हूँ, तो इसने इस वाले इमोजी के साथ कहा सच में कर रहे हो क्या। मैंने कहा अब नंबर दिया है तो करना ही पड़ेगा ना, तो कहने लगी मेरा नंबर नहीं है ये, और हंसने लगी। मैंने कहा फिर किसका है, तो कहने लगी मुझे क्या पता तुमने मांगा तो मैंने ऐसे ही दे दिया, और मुस्कुराने लगी। मैंने कहा मैं क्यों मांगूंगा, रिचार्ज की ज़रूरत तुम्हें थी ना, तो कहने लगी मैं तो मजाक कर रही थी कि करोगे या कंजूस हो, और हंसने लगी। तो यहाँ मैंने इसको ये वाला इमोजी सेंड किया, मैंने कहा कंजूस लग रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर ये मेरे साथ मज़े ले रही थी, लेकिन इसको नहीं पता कि मैं इससे भी बड़ा वाला हूँ। वैसे भी मैं रिचार्ज करता नहीं, सिर्फ कह रहा था कि रुको करता हूँ, क्योंकि भाई कोई भी बंदी हो इतनी आसानी से नंबर नहीं देगी जैसे इसने एक दफ़ा के कहने से ही दे दिया। तो मुझे कोई ना कोई डाउट ज़रूर लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है भाई, जो इतना आसानी से इसने नंबर दे दिया, या तो ये लड़का है या मेरे साथ कोई प्रैंक कर रही है। और आगे का मामला जानने के लिए ही मैंने बोल दिया इससे कि ठीक है रिचार्ज करता हूँ, मैं देखना चाह रहा था कि क्या होता है। अब चलिए आगे की चैट पढ़ते हैं। तो कहने लगी लग रहे थे अब नहीं। मैंने कहा अच्छा अगर सच में करवाना हो तो बोल देना, तो कहने लगी जी नहीं हम क्या तुमको ऐसे लग रहे हैं। मैंने कहा ऐसे कैसे, कहने लगी कि दूसरों से रिचार्ज करवाएंगे, बहुत पैसे हैं हमारे पास, और ये वाला इमोजी इसने सेंड किया। मैंने कहा अच्छा बहुत पैसे हैं तो मेरा भी कर दो, तो इसने कहा उतने भी नहीं हैं यार, सिर्फ अपना खर्चा उठा सकती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इससे कहा अच्छा मुझे लगा अंधा पैसा है तुम्हारे पास, और हंसने लगा। तो इसने कहा भक, कहने लगी अबे तुम हो कौन और मैं तुमसे इतनी बात क्यों कर रही हूँ। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कितना इसको मैंने अपनी बातों में उलझा के रखा था, इतना इंटरेस्ट आ रहा था इसको मेरी बातों में कि मैंने इसको ये महसूस ही नहीं होने दिया कि मैं इससे पहली बार बात कर रहा हूँ। और जब इतनी सारी चैटिंग हो चुकी है उसके बाद इसको याद आया कि मैं कोई अनजान बंदा हूँ, ये रैंडम बंदे से बात कर रही है। तो भाई मैं तुम्हें हर वीडियो में यही बताता हूँ कि ये तो नहीं हो सकता कि तुम्हारे साथ भी सेम सिचुएशन हो, सेम रिप्लाई आए, सब कुछ सेम हो, ऐसा तो नहीं होता, कुछ ना कुछ डिफरेंट जरूर रहता है। और लड़की का मूड का भी पता नहीं रहता किसी का, कैसा मूड है, कौन किस तरह से बात करना चाहती है। सिर्फ मैं तुम्हें हर वीडियो में ये बताने की कोशिश करता हूँ कि तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तुम्हारी बातों में इतना एंटरटेन होना चाहिए कि लड़की तुमसे खुद बात करे, ऐसा नहीं कि तुम ज़बरदस्ती बात करो। तुम अपने अंदर इतना टैलेंट लाओ कि तुम्हारी बातें मज़ेदार लगे लोगों को, सामने वाले को इतनी मज़ेदार लगे कि वो खुद मजबूर हो जाए तुमसे बात करने के लिए, ना कि तुम उसको फोर्स करो। तो मेरा हर वीडियो में यही मकसद होता है बताने का कि तुम अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस लाओ, एक मज़ेदार बंदे बनो, एक अच्छे इंसान बनो कि तुम्हारी बातों में लोगों को मजा आए और वो तुमसे बात करना बहुत ज़्यादा पसंद करें। तो जब इसने कहा ना कि तुम हो कौन, मैं तुमसे इतनी बात क्यों कर रही हूँ, तो यहाँ पर भी देखो मैंने इसे कितना मज़ेदार रिप्लाई दिया। तो मैंने कहा तुम्हें अब होश आया है जानने का एक जमाने बाद, और हंसने लगा। तो इसने कहा हप कौन हो तुम, तो मैंने कहा हम हैं राही प्यार के, और यहाँ भी हंसने लगा। तो इसने कहा नाम भी तो होगा कुछ, तो मैंने कहा आईडी में लिखा तो है या पढ़ना नहीं आता तुमको, और फनी वाला इमोजी भेजा। तो इसने कहा समीर, मैंने कहा यस। तो कहने लगी तो इतना खुश होने की कौन सी बात है, क्योंकि मैंने यस कह के ये वाला इमोजी लगाया ना, चश्मा पहन रखा इसने। तो इसने कहा इतना खुश होने की क्या बात है, तो मैंने कहा नाम ही ऐसा है, लड़कियाँ दीवानी हो जाती हैं। तो हंसने लगी और कहने लगी अच्छा था एक और सुनाओ। तो यहाँ पर मुझे गुस्सा आ गया, मतलब वैसा सीरियस वाला गुस्सा नहीं, तो मैं इससे कहने लगा। तो मैंने इससे कहा ये कोई जोक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसने कहा था ना कि अच्छा था एक और सुनाओ, तो कहने लगी जोक से कम भी नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं यार हंस लो, वैसे भी हंसती हुई प्यारी लगती हो।
तो इसने कहा, भक लड़कों को चांस मारना चाहिए होता है हर बात में बस। मैंने कहा, अब लड़का लड़की पर ही तो चांस मारेगा, लड़के पर थोड़ी। कहने लगी, चलो बाय। मुझे लगा ये मेरी बात का बुरा मान गई। मैंने कहा, क्या हुआ? तो इसने कहा, भूख लग रही है यार। तो यहाँ पर मैं इससे मजाक करने लगा। मैंने कहा, ओ किसको खाओगी? तो ये वाला इमोजी इसने सेंड किया। मैं हंसने लगा, मतलब क्या खाओगी? तो कहने लगी, खाना ही खाऊंगी ना, भूख लगी है तो, या तुम कुछ और खाते हो? तो मैंने कहा, खाना ही खाता हूँ, और हंसने लगा। तो इसने कहा, ठीक है बाय। तो मैंने भी इसको बाय बोल दिया। तो यहाँ पर जितनी भी तुमने चैटिंग देखी है अभी तक की, तो ये काफ़ी हद तक मुझसे इम्प्रेस हो चुकी है। तो अभी के लिए इतनी ही चैट काफ़ी। अगर आप चाहते हो कि आगे की चैट भी मैं आपको दिखाऊं, तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो आई होप वीडियो आपकी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो पर अपना एक प्यारा सा लाइक ज़रूर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ अगली वीडियो में।